तो पिवट टेबल एडवांस एक्सेल में काफी इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए दो फैक्ट है। पहली चीज, आप ऑफिस में बैठ के करते क्या है, रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट क्या होता है, समरी ऑफ द डेटा। किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी ना किसी एंगल से समरी किया गया होता है, मतलब कि आप उसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन करें लेकिन उसका मेन जो मोटिव होता है वो समरी ही होता है। तो कोई भी रिपोर्ट समरी ऑफ द डेटा होता है। तो उसी तरीके से अगर आप किसी डेटा, किसी पिवट टेबल का काम अगर बारे में जाने, तो पिवट टेबल का काम होता है किसी भी डेटा को किसी न किसी एंगल पे समराइज करना। जी हाँ, तो आप अगर आप माइक्रोसॉफ्ट हेल्थ में जाके देखिए तो पिवट टेबल का ये जो है क्या बोलते हैं डेफिनेशन है, वी कैन समराइज द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो किसने किसी एंगल पे डेटा को समरी करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले, और दूसरी चीज है कि अगर आप पिवट देखें तो पिवट टेबल के बेस पे ही आपका टैबलू है, आपका पावर बीआई है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी, क्योंकि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिकॉर्डिंग अगर आप पहले देख लेते हैं तो उसको समझने में ज्यादा आसानी। तो आज हम पिवट टेबल की समराइजेशन के बारे में बात करेंगे। पिवट टेबल का यूज हम डेटा समराइज करने के लिए कैसे करते हैं। हमने एक डेटा लिया, तो पिवट टेबल लगाने से पहले कुछ चीजों पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज, डेटा को समझना, क्योंकि आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो डेटा को समझ रहा जरूरी है। तो आपके सामने डेटा दिख रहा है जिसमें आपका डेट है, सेल्स मोड है, सीआईडी है, नेम है, स्टेट है, पीआईडी, प्रोडक्ट वगैरह। तो एक डेटा जो है एक कंपनी की सेल्स कंपनी डेटा है, मतलब कि किस डेट को किस सेल्स मोड में किस कस्टमर को, इसका लोकेशन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में किस एमआरपी से बेचा गया, उसका टोटल अमाउंट क्या है, उसका टैक्स क्या है और टोटल उनसे रेवेन्यू क्या जनरेट किया गया। जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें अब पिवट टेबल हमें लगाना है। तो एक चीज और देखना होगा कि हमारा कोई रो बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं है। अगर आपकी रो ब्लैंक है तो आपको डेटा को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जी हाँ, अपने डेटा को आप सिलेक्ट कर ले। अगर सिलेक्ट नहीं करते हो, मैं पूरा डेटा को सिलेक्ट कर ले, अगर डेटा सिलेक्ट नहीं करते हो तो सिर्फ ऊपर का इतना ही सिलेक्शन होगा, नीचे की डेटा को सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो कंट्रोल ए पे चलता है। इसलिए अगर पूरा का पूरा कोई रो ब्लैंक है तो आप डेटा को सिलेक्ट करके पिवट लगा। दूसरी चीज, आपकी कोई हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हेडिंग ब्लैंक है तो पिवट टेबल लगेगा ही नहीं। उसके बाद आप यहां इंसर्ट करके पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपका एक नया पिवट टेबल एक नई शीट में लग जाएगी। हालांकि आप अपनी मर्जी से भी जिस किसी शीट पे लगा सकते हैं।
तो अब इसमें क्या है कि अब मुझे चाहिए क्या, मतलब कि ये तो पिवट टेबल आपका लग गया, बट आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, मतलब क्या चाहते हैं आप। ये चीज जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता क्या है तो पिवट लगाएंगे कैसे। तो सो पिवट के बारे में अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो मुझे इसमें जो चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे चाहिए सेल्स मोड के हिसाब से, जो प्रोडक्ट है आपका हमारा ये डेटा में, जो सेल्स मोड है, सेल्स मोड के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है, मुझे बस इसका एक समरी चाहिए सिंपल से। तो उस केस में क्या है करेंगे हम यहां पिवट टेबल पे आते हैं और हम सेल्स मोड को रखेंगे रो में। हम कॉलम में भी रख सकते हैं, बट ये डेटा हमारा कॉलम बाई जाएगा, तो हमें इसमें रखना है। मतलब पिवट टेबल यही है कि आपने डेटा पे पिवट टेबल लगाया, डेटा को फील्ड को रीड करके यहां पे दे दिया। अब इस फील्ड को इन चार में से किसी एक में रखना है, चाहे फिल्टर है, कॉलन है, रो है एंड वैल्यू, इन चारों में किसी एक में रखना है। सिंपल, यही आपका पिवट टेबल का काम होता है सिंपल। और जैसे जैसे आप रखेंगे उस तरह से ये आपका बनता चला जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो मैं क्वांटिटी को वैल्यू रख दिया। तो रो एंड कॉलम में रखेंगे तो डेटा रो एंड कॉलम बाई जाएगा, और जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है उसको हमेशा किस में रखते हैं, वैल्यू में रखते हैं। तो हमने वैल्यूज में रख दिया सम ऑफ क्वांटिटी। अब मैं प्रोडक्ट को उठाता हूँ और प्रोडक्ट को उठा कर रख देता हूँ किसमें, कॉलम में, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट चाहिए। तो आपके सामने ये रिपोर्ट आपके पास बन गया है। अब यहाँ पर रो होल्डिंग वगैरह है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ सेल्स मोड। यहाँ कॉलम हेडिंग है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोडक्ट, और सम ऑफ क्वांटिटी में हम लिख सकते हैं टोटल सेल, इस तरह से। और इसकी जो अब बात आती है फॉर्मेटिंग की, अब नॉर्मल इसकी फॉर्मेटिंग हम यहां से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्मेटिंग में दिक्कत क्या होगा, नॉर्मल फॉर्मेटिंग में दिक्कत ये होता है कि आपका कल के रेट में अगर आपको आपका पिवट अगर चेंज होता है तो अपने आप को चेंज कर लेगा। तो यहां पे ये चीज है, आप देख लीजिए आपके सामने दिख रहा है आपको। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि नॉर्मल फॉर्मेटिंग ना करने पे मैं चला जाऊंगा डिजाइन पे, और डिजाइन पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट हैं। तो आप यहां मतलब कि होम मेनू से फॉर्मेट करेंगे तो पिवट टेबल का जब मतलब कि रिफ्रेश होगा तो अपने आप को चेंज कर लेगा, लेकिन ये आपका चेंज नहीं होगा, मतलब कि पिवट का पार्ट हो जाएगा।
अब इसमें मैं सेलेक्ट करता हूं अपना यहां पे फॉर्मेट, जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर। अब इस पे अगर चार्ट लगाना चाहते हैं तो मैं यहां एनालिसिस पिवट टेबल एनआईसी भी लगा सकता हूं, या फिर मैं इंसर्ट में जाके मैं यहां से अपने लिए कोई चार्ट सजेस्ट कर सकता हूं, जो चार्ट हमें सुटेबल लगे। इस तरह से अब ये रिपोर्ट भेज सकता हूं मैं डेटा से लिंक होकर, डेटा ऐसे चेंज होगा ये अपने आप को चेंज कर लेगा, लेकिन इसके लिए आपको रिफ्रेश करना होगा। तो पिवट टेबल के जरिए हम इस तरह से डेटा को समरी करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। यशुभ जी समझ में आया आपको? अब समराइज करने के कुछ ट्रिक्स है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को उठा के कॉलम में रख दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा हम कॉलम में तभी रखेंगे जब हमारे पास कम डेटा। जैसे मान लीजिए मैं स्टेट को यहाँ पे सिटी को उठा के रख देता हूँ ऊपर में, तो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा डेटा हो गया हमारा। तो ये हॉरिजॉन्टली नेविगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वर्टिकली हम लोग इजीली नेविगेट कर लेते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली नेविगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जब हमारे पास ज्यादा होगा तब क्या करेंगे, तब हम सिटी को उठा के यहाँ रो को में रख देते हैं इस तरह से। ये आपके सामने आपका हेडिंग होगा, इसमें आप इस तरह से भी क्लिक कर सकते हैं, ये आपको कोलैप्स हो जाएगा। अगर आप इस पे जाते हैं पिवट टेबल डिजाइन पे, डिजाइन डिजाइन एनालाइज पे, तो आपके सामने एक कोलैप्स एक्सपेंड का डेटा होता है, समझो उधर समरी, और इस तरह से आप कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है सर, आप देख रहे हैं कि आप सबका सब टोटल आ रहा है, इसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले आप देखिए कि आप अभी जो इस तरह के इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ये अगर आपको किसी को रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल भेजना है तो ठीक है, लेकिन अगर पिवट टेबल ना भेजना हो तो मतलब कि अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं ना, कैसे केस में कॉपी पेस्ट करते हैं, तो मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट करके डेटा को और कॉपी पेस्ट कर दिया, इसमें पता लगाना मुश्किल है ना कौन सा हमारा सिटी है और कौन सा हमारा सेल्स है। क्या सर? तो उस केस में हम चाहते हैं कि अलग हमारा ये हो, मतलब कि सेल्स अलग हो एंड सॉरी सेल्स मोड अलग हो और हमारा सिटी अलग अलग हो। तो राइट क्लिक करते हैं और चले जाते हैं पिवट टेबल ऑप्शन में, और यहाँ आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में हमारे पास आता है क्लासिकल क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। ठीक है, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट।
लेकिन यहां से भी नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पिवट टेबल की डिजाइन में भी हमारे पास होता है रिपोर्ट लेआउट, यहाँ से शो टैबुलर फॉर्म दिख रहा होगा, इसमें आप करेंगे तो अलग अलग सेल पे आ जाएगा। अब यहाँ जो सब टोटल आ रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक कीजिए और यहां से सब टोटल सिटी पे क्लिक कीजिए। सब टोटल सिटी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अलग अलग हो जाएगा, हो गया ना सर। अब इसमें कभी कभी दिक्कत होता है कि मैं चाहता हूं इसको रिपीट कर दूं, तो यहां पिवट टेबल लेआउट में यहां रिपीट ऑल आइटम, मुझे हर एक के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए, तो यहां पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन हम सिलेक्ट कर देंगे। मुझे वापस हटाने हैं तो रिमूव ब्लैंक लाइन, यही रिपीट करना है डू नॉट रिपीट, रिपीट की जगह पे मुझे मर्ज करना है तो राइट क्लिक कीजिए, यही पिवट टेबल ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आता है मर्ज करके, ओके करेंगे तो हर एक सेल आपका मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है कि मुझे मान लीजिए कि आपने देखा नोएडा में डायरेक्ट में 42 सेल्स है, लेकिन 42 सेल्स क्या है मुझे इसके बारे में पता करना है, चाहिए मुझे इसकी इंफॉर्मेशन पूरी, तो आपको डेटा में जाके फिल्टर लगाना पड़ेगा कि भाई नोएडा सिटी में डायरेक्ट सेल। फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक नया सीट पे पूरा रिकॉर्ड दे देगा। तो क्या करना है, डबल क्लिक, लेकिन ध्यान, डबल क्लिक आप कीजिएगा वो आपका जो वैल्यू में रखा गया है, अब वैल्यू में जो रखा गया है उसका, तो वैल्यू में जो सम ऑफ सेल्स है, इसके अलावा और भी कुछ रख सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे एवरेज और एमआरपी अमाउंट चाहिए, तो एवरेज के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा साइन एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग में, या फिर इसके हेडिंग पे डबल क्लिक कर दूंगा तो भी हमारा वैल्यू फील्ड सेटिंग आ जाएगा। फिर इस पे मैं एवरेज पे क्लिक कर ओके करता हूँ तो यहाँ पे एवरेज ऑफ अमाउंट आ गया, या भी मुझे यहाँ पे और चाहिए, मुझे मुझे ग्राउंड टोटल चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आपके सामने दिख गया। ठीक है, तो मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा तो आ जाएगा, लेकिन किस वाले फील्ड पे, जो फील्ड आपके वैल्यू वाले पार्ट में रखा हुआ है उस पे डबल क्लिक करते ही इसका पूरा डेटा आपको दिख जाएगा। ठीक है यूसुफ जी, आदिल जी, निकिता जी, हाँ तो सर, डाउट इसमें? नो सर, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल इसमें हम आगे हम बताएंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस आप किसी भी डेटा पे कीजिए, क्योंकि अपना डेटा दूंगा तो ये भी अपना डेटा भी दे सकता हूँ, लेकिन आप अपने डेटा में प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कल की क्लास में बता सकते हैं या फिर फोन